मंगलसूत्र की रक्षा करनी है इनको। अरे मंगलसूत्र की रक्षा नोटबंदी में नहीं हुई, मंगलसूत्र की रक्षा हो 40 पुलवामा में जवान शहीद हुए तब नहीं हुई, मंगलसूत्र की रक्षा कोविड में नहीं हुई। अरे मंगलसूत्र की रक्षा ही महंगाई में नहीं हो रही है, कई लोग इलाज के अभाव में अपने आप का दम तोड़ देते हैं, सही है कि गलत? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ, इतने भरोसे के बाद, इतनी अटूट समस्या के बाद देश में ये तनाव है कि अगला सरपंच हम चुन के देंगे या नॉमिनेट होगा। एक सरपंच चुनते हैं तो 10 सवाल करते हैं, खरंजे का करते हैं, पिशाब घर का करते हैं, लाइट का करते हैं, भैया करा देगा, तेरी मदद कर देते हैं। कोई शादी ब्याह करते हैं तो खानदान देखते हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि एक तरफ है फूल सिंह बरैया जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ी, वंचित की लड़ी, किसान की लड़ी, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको जनप्रतिनिधि और सरकार की आवश्यकता है उसकी लड़ाई लड़ी, कभी कोई समझौता नहीं की। और हमेशा जैसे अभी मायावती जी की बात निकली, मैं मायावती जी से कभी मिला नहीं, उनको जानता भी नहीं हूं, कभी बात भी नहीं की, पर मैं उनके प्रत्याशी से खूब मिलता हूं, खूब मिला हूं, जो अभी गया है। ये जिस दिन गया और इसने फोटो डाले उसके एक दिन पहले एक घंटे मेरे साथ था, डाक साहब ये बात कहनी पड़ेगी भिंड के लोगों को, इसको मैंने कहा कि तेरे को ये जैसे ही जीतेंगे उस सीट से हम विधानसभा लड़ाएंगे, पर ये केवल जीतने और हारने की इनके वोट काटने कहानी थोड़ी है, नोट की भी कहानी याद रख लेना, वहां से माल ला है बीजेपी से, ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं। अगर ये मैं साक्षी हूं इसका, मैं अगर ये कह देता कि तेरे जितना बड़ी बात कही कि चल तेरा अधिकार था, कोई बात नहीं, तेरे को यहीं से विधानसभा लड़ूंगा, कोई की नहीं सुनूंगा, तू ही विधायक होगा जैसे ये सांसद बनेंगे, उसी सीट से अभी विधायक है। तो इसने मेरे से मीठी मीठी बात करके गया, मेरे साथ गाड़ी में बैठा, 50 किलोमीटर तक गाड़ी में आया, फिर मैंने दूसरी गाड़ी से इसको इनको भाई साहब को छुड़वाया और सीधे मायावती के पास निकल गए। और वहां से सिर्फ एक ही निर्देश मिला कि कांग्रेस को हराओ, लोकतंत्र के हत्यारों की मदद करो, लोकतंत्र के रक्षकों को हराओ, यही है इसका मैसेज। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, वोट बिगाड़ना नहीं, एक वोट गया उधर, यानी आपने बीजेपी में डाला, जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं तो फिर मैं उनको कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर जो लोकतंत्र कांग्रेस और जिसको केसीसी लोन कितने लोगों के हैं जरा हाथ ऊंचा करो, मेरे तो है, किसके किसके है बताओ जरा, केसीसी लोन जिसके है दादा, उधर भी कोई के है क्या? 2 लाख रुपए तक के केसीसी लोन माफ कराना है तो हाथ का पंजा, अपने बच्चे को जिसका ग्रेजुएशन हो गया 1 लाख रुपया 8,500 रुपए की पक्की नौकरी चाहिए तो हाथ का पंजा, अपनी घरवाली का दादा, ये सापे वाले चश्मे वाले दादा माताजी है या नहीं है? हे माताजी घर में है? अभी है तो माताजी को 8,500 चाहिए महीने के तो हाथ पंजा, एक साल में 1 लाख और नहीं चाहिए तो फिर 3,000 का लफ्फा झूठा और क्या क्या बोलूं वो सब नरेंद्र मोदी जी के पास जाने दो। दूसरी बात, अगर जो श्रमिक है मेहनताना करते हैं, 400 रुपया मिनिमम राशि किसान है, खेती करेंगे मजदूर, मजदूरी मिलेगी 400, पर वो मजदूरी को किसान को नहीं देनी, वो देनी होगी सरकार, ये योजना कांग्रेस पार्टी की है, ये समझने की बात है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, 5 न्याय की बात, जिसमें 1 लाख रुपए आपके पढ़े लिखे बेटे को आएंगे, 1 लाख रुपए साल के आपकी बहन बेटी बहू को आएंगे, एक किसान जिसको केसीसी लोन के साथ साथ सरसों का भी फिक्स रेट मिलेगा, उड़द का मिलेगा, मूंग का मिलेगा, गेहूं का मिलेगा, चने का मिलेगा, सबकी फिक्स मिनिमम रेट होगी, ये करना है तो कांग्रेस पार्टी। और जहां तक संजय राय जी का सवाल है, कोई बात नहीं, अरुण भैया ने बहुत बात कही कि इसकी कमीशन है उसकी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। अच्छा हाथ ऊंचा करके बताना कि 10 साल से सांसद है, कितने गांव में इस 10 साल में आई, जरा हाथ ऊंचा कर। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आई, सांसद है वहां, मोदी जी ने एक फरमान किया कि मैं भाषण दू जब तक हिलना मत, हाँ मैं भाषण दू जब तक हिलना मत, तो संध्या राय जी वही बैठी रहती है सदन में, उनकी गलती नहीं है ये मोदी जी का, वो इनकी मौत मैयत में तो आई होगी, अरे ब्याह शादी में तो आई होगी, इसमें भी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, आपके गांव में 10-20 लाख रुपए उनको एक साल में 50 करोड़ मिलते हैं, 5 साल तो 10 साल में 100 करोड़,
तो 100 करोड़ में से 5-7 लाख रुपए का काम तो कुछ न कुछ आपके गांव में किया होगा। उधर किया दिखते बाबा के गांव में किया है, चलो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। अब नहीं किया तो नहीं किया, इतना भी महिला है, ज्यादा नहीं बोल सकते। पर कभी पत्रकार बैठे हैं यहाँ, कभी संध्या राय जी ने सदन में उठ के लोकसभा में कभी भिंड के विकास की बात का कोई पत्र लिखा आपने छापा कभी? अरे कभी उनने खड़े होकर प्रश्न किया मोदी जी से आंख में हाथ डाल के, ये भेड़ों की, किसानों की, युवाओं की, अग्निवीरों की कोई समस्या पे बात की? अरे जो अग्निवीर योजना है, अब बच्चे उसमें जाना नहीं चाहते। बापू जो पिता था उसका सपना था कि मेरा बेटा कम से कम फौज में चला जाएगा, वो भेजना नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है अग्निवीर योजना कांग्रेस पार्टी ने सिरे से खारिज कर देगी, और जो पुरानी भर्ती थी वही करेगी। याद रख ले, आपके बेटों का, आपका देश की सेवा करने का, देश की सेवा का सपना पूरा करेगी, और पूरा कार्यकाल जो पहले था वो पूर्ण करेगी। और जो अग्निवीर अभी 4 साल के हैं, इनको भी कंटिन्यू ऊपर तक करेगी, जिनके हो गए हो बच्चे वो भी ध्यान रख लेना, इनको भी भगाएगी नहीं, इनकी नौकरी पूरी करेगी। ये आप सबसे मेरा आग्रह है। गुल सिंह भैया इधर आ, ये फूल सिंह जी बरैया बहुत अच्छे इंसान है, और कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, ये हमारे डाक साहब है, इनके कहने पे इनको टिकट मिली, राकेश भैया के कहने पे टिकट मिली। एकजुटता से सब नेताओं ने कहा, हो चाहे हमारे कटारे जी हो, चाहे और ये हमारे शर्मा जी हो, चाहे जितने भी, मैंने 50-50 बार फोन करके सबसे पूछा, और फिर ये प्रत्याशी है, सबके प्रत्याशी, आपके प्रत्याशी है, हाथ ऊंचे करके बताओ जिताओगे कि जिताओगे? तो सिर्फ आपके परिवार के और आपके वोट दोगे तो ये नहीं जीत सकते। ये जितने यहाँ आए वो कम से कम 50-50 वोट की जिम्मेवारी ले, 100-100 वोट की जिम्मेवारी।